आपके लिखे हैं जान पिता जी रेडन। जब से आपकी आवाज़ सुनी है मुझे रात को नींद नहीं आती, क्योंकि आप पूरी रात तो स्ट्रीम करती रहती हैं, तो मैं सोऊं क्या खाक। सुबह उठ के अम्मी से इतनी मार खाई, उन्होंने कहा कि जाके एक लीटर दूध ले आओ, मैं एक किलो दही ले आया। आपकी आवाज़ के जादू में मैं इतना खो चुका हूँ कि टीचर अब लेक्चर दे रही होती हैं तो मुझे कानों में ऐसे लगता है कि जैसे आप कह रही हो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दे फटाक से। ना मुझे रातों में नींद आती है आपकी वजह से, दिन में मैं यही सोचता रहता हूँ कि आज कैसे मैं चिकन डिनर निकालूंगा कि आप मुझे एक प्यारा सा रिएक्शन दें। आपके रिएक्शन की खातिर मैं पूरा दिन गेम में ग्राइंड करता हूँ। मैंने आपकी स्कोप की रिकॉइल भी अच्छी कर ली है, और मैंने जो है ना आपकी खातिर अपनी जो है फाइव फिंगर करना स्टार्ट कर दिया। गेम थंब्स पहले करता था मैं, और उसके ऊपर मेरी अच्छी खासी पट्टियाँ लगी होती थी, अब मैं पाँचों उंगलियों के ऊपर पट्टियाँ लगा कर खेलता हूँ। अम्मी ने मुझे नया फ़ोन लेने से इनकार कर दिया है, उन्होंने कहा है कि आपको मैं बिल्कुल नया फ़ोन नहीं लेकर दूंगी, मगर जान से प्यारी दे दें आप फिक्र ना करें, मैं मेहनत मजदूरी करके नया फ़ोन लूँगा और अच्छी गेम खेल के आपकी प्यारी सी आवाज़ में खूबसूरत सा रिएक्शन लेकर मैं दुनिया को बताऊँगा कि रेडन सिर्फ मेरी है। मैं जानता हूँ कि मैं इस काबिल तो नहीं कि आप कभी मेरी हो सके, मगर उम्मीद पे दुनिया कायम है प्यारी रेडन। आपने भी तो कभी उम्मीद नहीं की थी कि आपके 13,000 सब्सक्राइबर्स होंगे, मगर आज आपके 13,000 सब्सक्राइबर्स हैं। इसी तरह से मैं भी उम्मीद कर सकता हूँ, कोशिश कर सकता हूँ, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है। मैं आपके और अपने मुस्तकबिल को अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ, अल्लाह के हवाले प्यारी रेडन। मुझे पता है एक दिन आप 1 मिलियन ज़रूर कर लेंगी और मुझे ज़रूर याद रखेंगे। इतना लंबा पट लिखने से मेरी जो है दिक्कत इसलिए मुझे पेश आई क्योंकि आज स्ट्रीम पर मैं कमेंट कर रही थी। आप बाकियों को वक्त देती है प्यारी रेडन, मुझे नहीं देती। ये बहुत गलत बात है प्यारी रेडन, मैं अपनी अम्मी से छित्तर खाता हूँ, अपनी से छित्तर खाता हूँ आपके चक्कर में। और आप प्यारी रेडन प्लीज़ अपनी आईडी से रूम बनाया करें ताकि आप ये शॉटगन बैन कर सकें रूम्स में। शॉटगन बहुत तंग करती है प्यारी रेडन, मुझे अभी तक शॉटगन के आगे जो है ना इधर उधर होना नहीं आया, लेफ्ट राइट जिगर नहीं कर सकता मैं अभी शॉटगन के आगे। प्यारी रेडन आप मेरे लिए दुआ करती हैं कि मैं जल्दी से बड़ा आदमी बन जाऊँ और मैं आपको ढेर सारी सुपर चैट करूँ और यूसी सेंड किया करूँ। प्यारी रेडन मैं आपसे वादा करता हूँ कि जिस दिन मेरा अकाउंट बहुत बड़ा हो गया, मेरा अकाउंट जो है मैं एक बड़ा आदमी बन गया, बिजनेसमैन बन गया और बैंक अकाउंट मेरा डॉलरों से भर गया, प्यारी रेडन आपका अकाउंट मैं इतना हसीन कर दूँगा कि आपके अकाउंट में दुनिया की कोई चीज़ नहीं बचेगी। एक सूट मैक्सिमम करवा के दूँगा आपको, आपको हर गाड़ी की स्किन लेकर दूँगा प्यारी रेडन, और आपके रूम में सारे गिव अवे यूसी के मैं करूँगा। प्यारी रेडन मैं आपके सारे ख्वाब पूरे करने को तैयार हूँ, बस दुआ करेंगे अल्लाह ताला जो है ना मुझे जल्दी से काबिल बिजनेसमैन बना दे। आप लोगों को स्पेक्टेट करती हैं मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे नहीं अच्छा लगता जब आप लोगों कहती हैं हाय आपकी प्रोफाइल पिक्चर कितनी अच्छी है, डीपी कितनी अच्छी है। मेरा दिल जलता है प्यारी रेडन, मगर मैं क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ खामोशी से जो है ना आपकी स्ट्रीम देख सकता हूँ। दिल तो करता है कि ये जो डीपी लगा के आके आपसे रिएक्शन लेते हैं, इन सब के घर घुस के इनके मुँह पे मुक्के मारूँ और फिर दोबारा खबरदार तस्वीर लगा कर प्यारी रेडन से रिएक्शन लिया। मगर आप इन्हें रिएक्शन नहीं देंगी तो आपके सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ेंगे प्यारी रेडन। मेरी मोहब्बत जो है ना दिन ब दिन बढ़ती जा रही है आपके लिए, मगर मैं क्या करूँ, इस मोहब्बत का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि प्यारी रेडन आज मैं गरीब हूँ। मैं जानता हूँ आपको गुर्बत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्यारी रेडन, मैं जानता हूँ आपको दौलत से कोई मोहब्बत नहीं है, मैं जानता हूँ आप बुद्धि की बहुत अच्छी हैं, मगर मैं आपके लिए ज़िंदगी में कुछ करना चाहता हूँ प्यारी रेडन, क्योंकि आप इतनी मेहनत कर रही हैं और ये स्ट्रीम स्नाइपर्स जो हैं जिनकी आप स्ट्रीम स्नाइप जो करके इमोट्स कर रहे होते हैं, प्यारे रेडन आप इनको कुछ कहती क्यों नहीं। प्यारे रेडन स्ट्रीम स्नाइपिंग प्लीज़ बंद कर देना, मेरी 20 FPS की डिवाइस है, एक दफ़ा तो मुझे चिकन डिनर करने दे प्यारे रेडन, मैं बस आपकी रूम में एक दफ़ा चिकन डिनर करके सुनना चाहता हूँ अपने आपके मुँह से अपनी तारीफ, बस एक दफ़ा मुझे खुश कर दे, मेरी ज़िंदगी जो है इसी में सरशार हो जाएगी कि प्यारे रेडन ने मुझे शाउट आउट दिया है। प्यारी रेडन आपको मेरी अगर आवाज़ कभी सुनाई दे या मैं कहीं दिखाई दूँ तो आपने माइंड नहीं करना, मैं आपको अपना नाम तो नहीं बताऊँगा, मैं अपना नाम छुपा कर रखना चाहता हूँ, पर एक दिन प्यारी रेडन आप मुझे ज़रूर पहचानेंगी और आप कहेंगी आई लव यू अननोन। अपना ख्याल रखें जान से प्यारी रेडन, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम ऐसे करके उसने लिखा है, उसने कहा रेडन मुझे रात को नींद नहीं आती क्योंकि आप पूरी रात तो स्ट्रीम करती रहती हो, मैं आपको सुनूँ कि सोऊँ, अगर इस दफ़ा मेरे एग्ज़ाम में नंबर कम आए ना तो मेरी अम्मी मुझे बहुत मारेंगी,
और ये सारा क्रेडिट मैं आपको देता हूँ। उसने ये भी लिखा है कि अब्बू ने मुझे इतना जोर से शू खींच के मारा और ना मेरी विराची पे लगाया आके, मुझे लगता है मेरा जॉ हिल गया है और मुझे एक्सरे करवाने पड़ेंगे। बेचारा, सॉरी यार अगर तुम मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो, मुझे अफसोस है तुम्हारे मुंह के ऊपर जूता मारा अबू ने, तुमने मेरी खातिर वो खा भी दिया, सॉरी यार। इतने प्यार से लव लेटर लिखा अननोन तुमने मुझे, मगर मैं सिर्फ इसलिए उसकी इज्जत करता हूँ क्योंकि वो आपको बहन बोलता है, नहीं तो मैं आपकी स्ट्रीम से हर थरकी को भगा देना चाहता हूँ। ये लिखा उसने, RFS मूसा नेक्स्ट, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल, स्ट्रीम को लाइक करो भाई, 95 लाइक बनाते हैं, लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजिम कर दो। फिर भाई उसने लिखा, उसने लिखा, उसने कहा है प्यारी रेडन मैं मानता हूँ कि फ्यूरी हर स्ट्रीम के ऊपर जाता है, मगर यकीन जाने वो आपको दिल से भाई कहता है और मैं दिल से उसकी इज्जत करता हूँ। रूम में कभी वो मेरे सामने आ जाए तो आपने अगर पहचानना हो ना कि मैं कौन हूँ तो आप देखना फ्यूरी को नॉक करके छोड़ कौन देगा, या तो मैं फ्यूरी को हमेशा नॉक करके छोड़ के चला जाता हूँ ताकि उसे कोई रिवाइव दे दे, या फिर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसको मुक्का छुक्का मार जाऊँ। इसने लिखा है कि मैं चाहता हूँ कि साले को भी एक आधा मुक्का मारूँ, और क्या मौका मिलता, नहीं तो आप तो माइंड कर जाया करेंगी कि साले को मुक्का क्यों मारा है, ऐसे लिखा है उसने। बहुत टॉक्सिक बंदा है भाई अननोन, तुम बहुत टॉक्सिक हो, तुम मेरे सामने आ जाओ तो तुम मुझे लव लेटर लिख रहे हो।